Assalamualaikum everyone and welcome back to Dubai Infotech channel. एक बिल्कुल brand new hotel open हो रहा है. ये hotel Abu Dhabi के अंदर open हो रहा है और उनको काफी सारे staff की requirement है. Definitely जब भी कोई hotel या कोई company open होती है तो ये बहुत अच्छी opportunity होती है सब लोगों के लिए, क्योंकि वो एक vast majority में लोगों को hire कर रहे होते हैं. Basically Abu Dhabi के अंदर RHMUH hotel open हो रहा है. RHMUH एक बहुत बड़ा brand है, international brand है hospitality के हवाले से. अगर आप नहीं जानते हो तो आप internet पे RHMUH होटल के बारे में पढ़ सकते हैं. काफी बड़ा ब्रांड है और अभी रिसेंटली ही उन्होंने अनाउंस किया जी कि वो अपनी प्री ओपनिंग टीम हायर कर रहे हैं. प्री ओपनिंग टीम वो होती है कि जैसे ही होटल ओपन होता है तो वो होटल ओपन होने से पहले ही सारे लोग हायर होते हैं ताकि वो सारा सेटअप किया जा सके, सारी प्रिपरेशन की जा सके और उसके बाद जब ओपनिंग होती है तो कोई भी इश्यूज नहीं आए. सो ये प्री ओपनिंग टीम की यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है. काफी सारी वैकेंसीज है यहाँ पे और मैं आपको इस अपनी वीडियो में डायरेक्टली ईमेल दूंगा एचआर डिपार्टमेंट का, जहां पे आप अपनी अपडेटेड सीवी भेज सकते हैं. और इसके साथ ही अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, आप फुलफिल करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को, तो डेफिनेटली वो आपको इंटरव्यू कॉल करेंगे. बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये उन सब लोगों के लिए जो कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्स किए हुए हैं या जिनके पास ऑलरेडी हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस है. प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाएगी जो कि ऑलरेडी यहाँ पे यूएई के अंदर मौजूद है, विजिट वीज़ा पे है, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कैंसिल वीज़ा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप यूएई के अंदर मौजूद है, दुबई में, अबू धाबी में, शारजा, अजमान, कहीं में भी है, तो आप लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि अभी जितनी भी कंपनीज है वो प्रेफर कर रही हैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लोकली हायर हो जाए. अभी वन बाय वन में आप सबको वैकेंसीज बता देता हूँ ये कौन कौन सी वैकेंसीज और कैसे आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो व्यूअर्स, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ये बिल्कुल एक ब्रांड न्यू होटल ओपन हो रहा है अबू धाबी के अंदर. पहले मैं आपको सारी वैकेंसीज बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी सीवी भेज सकते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं RHMUH मरीना अबू धाबी ज्वाइन अवर प्री ओपनिंग टीम. प्री ओपनिंग टीम वो होती है कि जैसे ही कोई होटल ओपन हो रहा है तो उससे पहले जो भी टीम सारी हायर होती है वो उसको प्री ओपनिंग टीम बोलते हैं. सबसे पहले यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिस एंड सिक्योरिटी के रिलेटेड है. यहाँ पे उनको सिक्योरिटी मैनेजर चाहिए, सिक्योरिटी सुपरवाइजर चाहिए उनको, पीए टू जनरल मैनेजर, पर्सनल असिस्टेंट टू जनरल मैनेजर, क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर. ये तीन एग्जीक्यूटिव ऑफिस और सिक्योरिटी के रिलेटेड वैकेंसीज हैं. नंबर टू के ऊपर इंजीनियरिंग के, इंजीनियरिंग और टेक्निकल जॉब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा. ड्यूटी इंजीनियर चाहिए उनको, इसके बाद उनको इलेक्ट्रिकल सुपर सुपरवाइजर चाहिए, मैकेनिकल सुपरवाइजर चाहिए, मैकेनिकल टेक्नीशियंस चाहिए उनको, किचन एंड लॉन्ड्री सुपरवाइजर चाहिए, इसके बाद किचन टेक्नीशियंस चाहिए, लॉन्ड्री टेक्नीशियंस चाहिए, एसी टेक्नीशियंस चाहिए, बॉयलर टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, पूल टेक्नीशियंस की जॉब है, हैंडीमैन है, कारपेंटर्स है, इलेक्ट्रिशियंस है, पेंटर्स हैं और प्लम्बर्स हैं. ये सारी वैकेंसी इनको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड है. इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट ऑफिस की, रिसेप्शन की बात आ जाती है. यहाँ पे कुछ जो वैकेंसीज है वो बहुत हाई लेवल की, उसके लिए आपको काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होगा. लाइक डायरेक्टर ऑफ फ्रंट ऑफिस, ये बहुत बड़ी पोजीशन है. रेजिडेंस मैनेजर, ये भी बड़ी पोजीशन है. ड्यूटी मैनेजर, नाइट मैनेजर के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है. ये नहीं होता कि आप इन पोजीशन के लिए बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं. कुछ पोजीशन होती है जो लाइन स्टाफ होती है, जिस तरह फ्रंट डेस्क एजेंट हो गए, गेस्ट रिलेशन सुपरवाइजर हो गए, गेस्ट रिलेशन एजेंट्स हो गए, लॉबी होस्टेस हो गए, तो ये सारी एक मतलब है कि बिगनिंग लेवल की जॉब्स होती है. ये सारी वैकेंसीज उनको फ्रंट ऑफिस में चाहिए. इसके बाद नंबर फोर के ऊपर टैलेंट एंड कल्चर के ऊपर ये एचआर रिलेटेड भी जॉब्स आ जाते हैं. जहाँ पे उनको गवर्नमेंट रिलेशन मैनेजर चाहिए, इसके लिए अरबिक स्पीकिंग मस्ट है. पब्लिक रिलेशन ऑफिसर चाहिए. नर्स रजिस्टर होनी चाहिए. ये नहीं कि आपके पास अगर बैक होम का एक्सपीरियंस है लेकिन आप यहाँ पे DHA या फिर अबू धाबी अथॉरिटीज़ के आपको रजिस्टर होना चाहिए. टैलेंट एक्विजिशन ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है. हाउसिंग सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है. हाउसिंग सुपरवाइजर जो भी स्टाफ की अकोमोडेशन होती है उसके इंचार्ज होते हैं, उसका सारी टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नंबर फाइव के ऊपर फाइनेंस अकाउंट्स रिलेटेड जॉब्स हैं. जहाँ पे फाइनेंस मैनेजर चाहिए, जनरल अकाउंटेंट्स चाहिए, क्रेडिट मैनेजर्स चाहिए, अकाउंट रिसीवेबल एग्जीक्यूटिव चाहिए, रिसीविंग क्लर्क्स चाहिए और स्टोर कीपर की रिक्वायरमेंट है. ये सारी वैकेंसीज हैं. और इसके बाद अगर आप नंबर सिक्स के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे उनको चाहिए किचन रिलेटेड, कलरनरी रिलेटेड, यहाँ पे शेफ दी कुजीन चाहिए उनको, सूस शेफ की रिक्वायरमेंट है, शेफ दी पार्टी चाहिए, डेमी शेफ दी पार्टी की रिक्वायरमेंट है, बुचर्स है, बेकर्स है, कॉमीज है, स्टीवनिंग सुपरवाइजर और स्टीवनिंग सुपरवाइजर और स्टीवनिंग का काम होता है. क्लीनिंग रिलेटेड जितना भी काम होता है किचन का, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको टेक केयर करना. और लास्ट के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो फूड एंड बेवरेज मीन F&B रिलेटेड जॉब्स है. जहाँ पे असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर है, फूड एंड बेवरेज सुपरवाइजर है, फूड एंड बेवरेज कैप्टन है, बार टेंडर्स है, हाउस
होस्टेजेज है, इसके बाद ऑर्डर टेकर्स है, वेटर और वेटरेसेज है, ये सारी वैकेंसीज हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं जो मैंने ऊपर बताई और आप उनके लिए क्वालिफाई करते हैं, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे अपनी डायरेक्टली सीवी भेज सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस मैं नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप को, अभी मैं स्क्रीन के ऊपर भी बड़ा करके दिखा रहा हूँ, RHMUH.Recruitment@rexus.com, ये ईमेल एड्रेस है और ये अभी प्री ओपनिंग हायरिंग हो रही है। एज सून एज पॉसिबल आप अपनी सीवी भेज दें और मेक श्योर कि आप जिस जॉब के लिए भेज रहे हैं सब्जेक्ट में उसका नाम लिखे। अगर आप टेक्नीशियन के लिए भेज रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन FNB के लिए भेज, सब्जेक्ट में उस पोजीशन का नाम आपने लाजमी मेंशन करना है। तो व्यूर्स, जैसा आपने देख लिया, जो बड़ी वैकेंसीज हैं, बड़े लेवल की वैकेंसीज हैं, उनके लिए मैं आपको बोलूंगा कि अप्लाई नहीं करें, क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको मालूम नहीं होता है किस पोजीशन का क्या काम होता है। डेफिनेटली जो मैनेजर्स लेवल की, जनरल मैनेजर्स लेवल की या दूसरी हायर पोजीशंस हैं, उनके लिए आपको 5-5, 10-10 साल का और सम टाइम तो 20-20 साल का भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो जो लाइन स्टाफ है जिनका मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए आप डेफिनेटली अप्लाई करें। हायर पोजीशन के लिए आप अप्लाई नहीं करें अगर आपके पास उसका नॉलेज नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल पर ज़्यादातर व्यूअर्स वही होते हैं जो कि फ्रेशर्स होते हैं, जो कि अभी लाइन स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने सारी डिटेल आपको दे दी है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अबू धाबी में भी अभी काफ़ी ज़्यादा हायरिंग हो रही है, इसके अलावा भी बहुत सारी लेटेस्ट वैकेंसीज हैं जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।